लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर आया है ना, इस जलते हुए लोहे की तरह खामोश है। जितनी चोटें इस लोहे पे पड़ी है ना, लगता है उससे ज्यादा चोटें तेरे दिल पे पड़ी। इस भट्टी की तरह भी तेरे दिल में आग भरी हुई है। लगता है तू आग का तूफान है, लेकिन मेरा दिल कहता है तू बेगुनाह है, नॉट गिल्टी। और कुछ साल भर आर्थर रोड जेल में थे, 6 महीना सेंट्रल जेल में थे, 2 महीना कलकत्ता जेल में थे, और अब यहाँ पर। वो खामोशी तोड़ो, जेल के किसे ही सुना दो। और तुसी अपना किस्सा नहीं सुना दे ना सुनाओ, मेरी सुन लो। एक दिन मेरी वाइफ जो है ना, उसको बदमाशों ने छेड़ा, मैंने तलवार कटी, उन सब की मुंडी काट दी। अब भी बाहर कोई छेड़ेगा ना, तो मैं उन सब की मुंडी काट दूंगा, बेशक मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। ओए, पहली बार रैट किता है। अभी कुछ देर पहले तुम जेल तोड़ने की बात कर रहे थे। जेल तोड़ने की बात पर खामोशी तोड़ी? ओए, मैंने बोला था ना, नॉट गिल्टी, बेगुनाह है, समझ ले। टूटी जेल की दीवारें और बज गई कानून की सीटी। भाई, वैसे तो मैंने सोच के रखा है कि मैं फिर से कानून के हवाले हो जाऊं। वो क्यों? भाई, शराफत से पेश आने में सजा भी कम हो जाएगी, वैसे भी तू रिहा हो चुका है अनऑफिशियली। और एक बात सुन, मैं तुझे 2 गुडलक पकड़े दूंगा, जो तुझे याद दिलाते रहेंगी कि तेरा एक सदा दोस्त भी है। अब ये बता, तू करेगा क्या हिसाब? फौरन आकर मिलो, बहुत ही खास बात करनी है तुमसे। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। करण, करण, करण! देखिए साहब, उस पार्टी की तस्वीर है, बड़ी मुश्किल से मिली है साहब, 2 साल पुरानी है ये तस्वीर है। इन हरामखोरों ने पहले मुझसे फोटो खिंचवाई, और जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे होलसेल में मारा। आप तो सॉलिड है साहब, छोड़ना नहीं इन सबको। टक 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 टक
कोई मिल गया टक 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 डिंग टक टक टडरा डिंग अरे मेरे को कोई नहीं मिल रहा है यार डिंग टंग टंग टडरा टक टंग टंग अपुन तो ऐसे गाना गाते बाबा यू आर वेरी लकी आपकी जान बच गई। अरे टांग टूट टूट गई। एक छोटा सा फ्रैक्चर है। अरे छोटे फ्रैक्चर को इतना बड़ा प्लास्टर होता है? ये आपकी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी? अरे सेफ्टी कहाँ है? कम। उस सिटी वाला आया। उस सिटी वाला आया। बाबू कर लग गया। आया, आया। बाबू, ये काय चुपू? ये काय चुपू? सिस्टर हट। अरे ए भाई तू सिटी क्यों बजा रहा है? डबल सिटी तू है कौन बे? म्यूजिक बंद करो यार अपने लोग की लाइफ लाइन फिनिश करने वो सिटी वाला आ गया यार कम ऑन डांस अरे कम ऑन मूव अरे आना यार तुम्हारा म्यूजिक की कौन है क्या हुआ बाबू करेला? बाबू करेला ने मेरे को बाबू मरेला बोलो। अरे पर तू तू लो ये सब क्या नाटक कर रहे हो? छमियालो को बाहर निकालो, मेरे को अंदर की बात करने की है। एक मिनट Sweetheart, leave us for some time. Yeah, sure. I'll call you back, okay? Bye, baby. Bye. अब बोल। अरे यार वो करण है ना करण, जेल की सलाखें तोड़ के भाग निकला है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? एकदम डरपोक मुर्गी है साला। ए मटन की दुकान, जब तू मुर्गिया के माफक उसके छुरी के नीचे हलाल होएगा ना, तब तेरे को मालूम पड़ेगा ये कमजोर मुर्गी क्या चीज है। अबे करण तो जेल में है। अरे मैं खतरे की रेल में हूँ यार, उसने मेरे बिना बॉडी को टच किए मेरी टंगड़ी तोड़ दिया। मेरे को बोल, उसकी आंखों में मैंने ऐसी अंगार देखी ना बाबा, वो नजर भर के अगर अपने लोग को देख ले ना तो अपनी अपनी जगह पे आप उन सब भसम हो जाओ। ये तो मैं था कि निकल के आ गया तुम लोग को बचने की वार्निंग देने के लिए। बकवास बंद कर यार, तूने किसी और को देखा होगा। अरे वो जेल से कैसे भाग सकता? हाँ। अरे तू शोले फिल्म नहीं देखा क्या? उसमें गब्बर कैसा जेल की दीवारें तोड़ के बाहर निकल के ठाकुर का वो हाल करता है ना कि भाई धोने के लायक भी नहीं छोड़ता है यार। वो हम लोग का भी हाल ऐसे करने वाला है। देख तू देख, देख एक मिनट। अरे यार कौन साला डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो रजत, करण जेल की सलाखें तोड़कर भाग गया है। क्या? अरे यार कभी कोई पंछी भी अपनी मर्जी से पिंजरे से बाहर निकलता है? फिर करण तो सरकारी जेल में है, कैसे बाहर निकलेगा? अरे अपना करेला बोल रहा है कि उसने उसको शहर में देखा है यार। अरे यार करेला को तो डरने की आदत है, उसे डरने दो। मेरी बात मानो, तुम भी आश करो और मुझे भी आज करने दो, समझे? अरे बड़ी तुम फोटो खींचता है कि टाइम पास करता, बड़ी खड़े खड़े बोर हो गया नी। अरे मेरे हैंडसम मैन, मैं अपने कैमरे में आपका एक ब्यूटीफुल सा एंगल सेट कर। अरे बड़ी तुम हमको हैंडसम बोला, थैंक यू बड़ी, थैंक यू। यार बड़ा अजीब हंसता है यार, हंसता है कि रोता है पता ही नहीं चलता है। अबे तू पिटवाएगा क्या? हाँ? आप रेडी है ना सर? नो नो बड़ी, हमारा नाम रेड्डी नहीं, अर्जुन हिंगोलानी। बहुत अच्छे लग रहे हैं, खींचना। अच्छा वो तो सुबह से हम रेड्डी हैं। क्या अनमोल फैमिली है। वाह बच्चा, ऐसी फैमिली मुंबई में मिलेगी नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। सर ये लीजिए धूमधड़ा का फोटो। थैंक यू वाली नीले गगन के तले। आज सुबह सुबह एक अच्छा बकरा फंस गया। क्या बकरा?
अरे बकरा नहीं गेंडा था, हिप्पोपोटामस एंड फैमिली। अबे तू चुप कर यार, ये दुकान भी बंद करवाएगा क्या एक दिन? दुकान? ये हमारी चलती फिरती दुकान एक तो चलती नहीं है। हम लोगों को मकान मालिक को पैसे देने, उस भड़ाऊ के सोने सोने के बाद तो हम लोग जाते हैं, और उसके उठने से पहले हम लोगों को भागना पड़ता है। लाजरा झूठ मूठ के अंदाज में असली चाय का मजा ले तो। अरे जिंगर, हमने शाम का नाश्ता ला रहे लावत है। अरे ये है सेठ जी के नाश्ता। यही रख हुआ कुर्सी के नीचे। एका यहाँ रखो। जी जी वाह, ये हमारा नाश्ता है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। खा लिए समोसा? कचौड़ी खा लिए? मजा आएगा, अभी खाएंगे। सैंडविच खाए? पेट भर गवा रे, साल भर नहीं खाएंगे। सेठ जी, एक हफ्ते से आप ऐसे ही खा रहे हो, बस थाली सूंघ सूंघ के खा रहे हो ऐसे ही। ये हमारा स्टाइल है, इससे क्या होता है कि पेट भी भर जाता है और गलत सलत खाना भी पेट में नहीं जाता है तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नहीं होता है। जा इसको ले जाए के बहुत सजाए के फ्रिज में रख दे। फिर से फ्रिज में? बताओ। फ्रिज भी रोबोट हो हमारी तरह। कहे सेठ जी, आप सचमुच खाना कब खाओगे? सचमुच? हाँ। अरे यार लगता है तेरे को पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। सुन, क्या है कि वो लुच्चे लड़कों पे हमारा 11,000 रुपया किराए का बाकी है। हाँ। वो लेना है। अच्छा। और हमसे जो पैसा उधार लिया है वो। हाँ। और उसका ब्याज। हाँ। जब वो पूरा लौटाएंगे। हाँ। तब हम जाके खाना खाएंगे। और हम? तुम? हाँ। उसके 2-4 दिन के बाद खाई लेना। ये कहाँ नौकरी किया है, कहाँ सेठ जी मिले भगवान। नहाने का गर्म पानी भी धूप में गरम करवावत है और हमको कपड़ा दिया ना बचपन में। हम बड़े होते गए, ये बनियाई ससुरी छोटी होती गई कि हमका फुल पैंट दिया रहा, देखते देखते हाफ पैंट हो गई है। अच्छा हुआ कि हाफ पैंट नहीं दिए रहे, नहीं तो कहां से कहां पहुंच गए होते। सेठ जी हमको यहाँ काम नहीं करना है, हमको छुट्टी दे दो। चिकन करी, मटन करी, दाल फ्राई, अंडा करी, भेजा फ्राई, पिज्जा, बर्गर, ठंडा आइसक्रीम, बोलिए क्या लाऊं सर? कुछ भी मत लाइए, सिर्फ 2 गिलास पानी लाइए, बाकी बाद में ऑर्डर दे देंगे। हाँ, बाद में बताएंगे कि जेब में पैसे ही नहीं है। क्या जिंदगी है यार, ये आधे आधे बर्गर पे पूरा पूरा दिन निकालना पड़ता है यार। अबे शुक्र मना इन बर्गर वालों का, नहीं तो पुराने टाइम पे तो लोग आधा आधा वड़ा पाव खा के टाइम निकालते थे। ओए टिट्टो यार, इसे देख, इस आदमी पे 1 करोड़ का इनाम है यार। 1 करोड़ का इनाम? हाँ। लेकिन मिलेगा थोड़ी, नो यूज यार। काश ये मिलता। एक्सक्यूज भाई साहब, जरा पेपर देख सकता हूँ? हाँ सर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है इसमें। अच्छा? वेरी इंटरेस्टिंग। तू क्या करता है यार? तूने पेपर क्यों दिया? अरे हमारा आइडिया उसे पता लग गया तो? अबे इसकी रोज 60 लाख कॉपी छपती है। अच्छा, फिर तो 10 लाख लोग पढ़ रहे होंगे। बेवकूफी है और लालची भी, काम आएंगे। घर में अंधेरा है, फिर तो बुड्ढा सो रहा होगा। चल कुती मार, चल। अरे कस के दबा का हमारे पैर से अपना हाथ दबा रहा है का? नहीं, हाथ से पैर दबा रहा हूँ। लग तो नहीं रहा? ये देखो। अरे ये कुत्ता कहाँ भौंक रहा, जरा देख तो। सेठ जी ये तो कुत्ता, लोगन से पूछो। तो पूछ तो रहे हैं कुत्ता वन से। बस सेठ जी, हमारे सेठ जी मान गए, हम हैं वफादार कुत्ता। चल, कुत्ते का भी स्टैंडर्ड होता है, तू कोई कुत्ता है? खुजली वाला गधा। ये तो अच्छा है कि तूने इस कंजूस बुड्ढे की बेटी को पटा के रखा है। अबे यार तू बहुत बोलता है यार, इसलिए चुपके से रात को दरवाजा खोल देती है। अबे वो तो अच्छी है कि हमारे भौंकने के सिग्नल से समझ जाती हम लोग आ गए हैं, समझा? अभी चल चल, शुरू हो जा।
Hi. How are you? बुड्ढा सो गया क्या? Shut up. खबरदार डैडी को बुड्ढा बोला तो. बुड्ढे को बुड्ढा नहीं तो क्या गुड्डा कहूंगा? इसे कहो ना. तू बहुत बोलता है यार, बहुत बोलता है. हाँ तो चुप रहता हूँ ना यार. ए, what do you mean? I'm so sorry. इसकी तरफ से I'm sorry. Okay. चलो अंदर चलते हैं. चलो. तीजो खाना रेडी है. इतने दिनों के बाद चाइनीज खाना. देखा किरण हमारा कितना ख्याल रखती है. अब हम समझे कि 2,880 रुपया भावा कैसे इतना खाना मंगाया है. हम भी खाऊंगा. तुम क्यों खाओगे? काहे नहीं खाऊंगा. क्यों? हम ये घर का पुराना कुत्ता हूँ. करेक्ट. हमारा खाली इतना सही बोल रहा है. दोनों भौंकता है, हम भौंकता नहीं हूँ. हम खाली खाता हूँ. तू खाएगा? हाँ हाँ हाँ. ले तंदूरी. मुगलाई लेगा? मुगलाई. छोड़ो उसे. मैडम क्या है ये सब? बहुत डेंजर कुत्ता लोग हैं. अच्छा हुआ गया. टीटो तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है. तुम गाने के स्कूल में नौकरी क्यों नहीं करते? अजी आजकल नौकरी मिलती कहाँ है. सही बोल रहा है. मैंने एक जगह बात की है जहाँ 10,000 रुपए महीना मिलेंगे. 10,000 रुपए महीना? मैं नौकरी पकड़ लूँ क्या? उन्हें गायकार की जरूरत है, तुम जैसे बेकार की नहीं. कोई बात नहीं किरण जी, अभी तो मैं बेकार हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई ना, आप देखिएगा मैं कार में घूमूंगा. हाँ मैं ताला मार देती हूँ बाहर से. डैडी उठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. डैडी अरे चल अंदर चल. ओके गुड नाइट बाय. हे भगवान, हमरे सेठ जी सोवे में भी सबसे अलग हैं. आंखी खोल के सो रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा कहाँ नहीं हो सकता? देखो अंदर है. देखो आंखी खोल के सो रहे हैं. ऊपर से कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता. डैडी आप उठ क्यों गए? डैडी डैडी आप उठ क्यों गए? क्या हुआ? क्या नहीं हो सकता? क्या ये कौन है? क्या हाँ वो सपना था क्या? सपना. बेटी हम सपने में देखा वो टीटो टोनी आके हमारे घर के डाइनिंग टेबल पे हा? खाना खा रहे थे. और डाइनिंग टेबल पे हम था. हम हाँ तू भी था ना. तू कुत्ते की तरह मुंह मार रहा था. मगर हम खाया ना. नहीं वो लोग लात मार के तेरे को फेंक दिया, एक निवाला खाने नहीं दिया. ये कौन सा घर में नौकरी कर रहा हो जहाँ सपने में भी खाना नहीं मिल रहा है. हट बेटी वो लोग सचमुच खाना खाया क्या? डैडी कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? उनका कोई आता पता ही नहीं है. डैडी नहीं है, नहीं है. नहीं ना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं. मत देना खाने को. हाँ डैडी क्योंकि उनसे किराए का पैसा लेना है. हाँ. उधार का पैसा लेना है. उस पर ब्याज लेना है. खाना खाएंगे तो उनको अटैक आ जाएगा. दिल यहाँ होता है सेठ जी. अब उड़ के ही आ जाता है. कितनी बार तुझको समझाएंगे बे? अलग टाइप का अटैक कर रहे हैं. तेरे बाप का कहा जाता है? डैडी आप सो जाइए ना, कोई नहीं आएगा. सो जाए संभाल लेना. हाँ डैडी इनका सुहा दे. सो जाइए. डैडी सो जाइए आप. हाँ दूर 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 दूर. अरे तुमका घोड़ा की मालिश कर रहे हो क्या? मत करो मत करो. जाओ जाओ. हाँ सो जाइए. अरे देखो बत्ती जल रही है. कहाँ कहाँ डैडी? अरे क्या है ना बत्ती जल रही है. अरे कहाँ बत्ती जल रही है डैडी? अरे वो क्या है? अरे डैडी आप सो जाइए. कहाँ कोई नहीं है, कोई है क्या? नहीं नहीं है डैडी. सो जाइए आप सो जाइए. कहाँ? हमको क्या को दिख रहा है फिर? इधर नहीं है डैडी. आप नींद में सो जाइए. अच्छा हाँ सो जाइए डैडी. सो जाइए डैडी. अच्छा ये हमारे साथ क्या हो रहा है? लोग दिखते हैं मगर होते नहीं है. उजाला दिखता है मगर बत्ती जलती नहीं है. हमारे साथ कुछ गड़बड़ है. What a beauty! लाल छड़ी मैदान खड़ी. वाह वाह.
आपको इसी तरह कुंफू कराटे में एक्सपर्ट बनना है। देखो अब जमाना बदल गया है, अगर कभी कोई मुसीबत आ भी जाए तो याद रखो कभी कोई किसी की मदद नहीं करता, इसलिए तुम अपनी रक्षा खुद करो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना कि अगर कोई बदमाश तुम पर हावी होने की कोशिश करे तो तुम उसे आसानी से सबक सिखा सको। सुजी, वन मिनट। यस मैम। लिसन, यू टेक द क्लास, मैं अभी किसी बदमाश को सबक सिखा के आती हूँ। आहा, ब्यूटीफुल, व्हाट अ पोज, ये भी कमाल है। आ, 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 आई, आई, आ, आ, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, फोटो खींच रहा हूँ। मैडम, कराटे वराटे मत करना, मेरी ये हड्डियाँ बड़ी रोमांटिक है, ये सिर्फ रोमांस में इंटरेस्ट लेती है, इन्हें हॉस्पिटल में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ताक झाक करने में इंटरेस्ट है? मैडम, ये तो हर मर्द का पैदाइशी हक है ना। यू ब्लडी, देखो मैडम, ये ऐसा मत करिए, मेरे को किरण मैम साहब ने भेजा है। ओह, तो तुम्हें किरण ने भेजा है? यस, काम के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए। फोटो खींचो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कि तुम्हें यहाँ किरण ने भेजा है? मैडम, एक घंटा हो गया है, जब नौकरी देने वाली नहीं आई तो नौकरी क्या देगी? अरे वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, अभी आती होगी ना। हाँ, कॉलेज की फ्रेंड है, इसलिए घंटे से बिठा के रखा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाय किरण। हाय, ही इज द गाय। अहा, गुड गाय, फैंटास्टिक। थैंक यू। What's the height? Oh. What a size. Thank you. What's the body? Thank you. High, tight, matching. Hmm? Everything is matching. Thank you. Good match, huh? Thank you. What a catch. Come on, no. Tito. Okay, Tito. I'm going home. Kiran, Kiran. Hey, guy. Chodi, chodi. Where are Kiran? You going? Kiran. Listen to me. मैडम जरा ऐसे करिए ना प्लीज। टीचर, टीचर, some bad boys. What happened? उन लड़कों ने हमें छेड़ा। क्या? उन लड़कों ने तुम्हें छेड़ा? हाँ। कौन है वो बेचारा लड़का जिसने इन्हें छेड़कर अपनी मौत को खुशी खुशी इनवाइट किया? Oh, you shut up. मैडम, ये अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे ना तो अंधा भी छेड़ेगा। चुप रहो एंड कम विद मी। कम ऑन गर्ल्स, देखो किसने तुम्हें छेड़ा। कम ऑन, मैं फोटो खींचता हूँ। क्या कर रही हो? ये देसी गुंडे हैं, इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोलो। हाँ चलो उठो, उठो। अच्छा सुनो, तुम इनको मारोगी ना, हाँ, तो मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। मुझे क्या खींच रहा है? व्हाट अ पोज, मुंबई में खुलेआम लड़की की इज्जत पे हमला, व्हाट एन एक्साइटिंग न्यूज़। ओह शट अप, क्या कर रहे हो तुम, मारो इनको। घबराओ मत, जब जब धरती पर अन्याय होता है एक न्याय का अवतार आता है। डोंट लूज पेशेंस। भगवान, मेरे डायलॉग वेस्ट हो रहे हैं। वाह, टोनी, तुम नहीं बचा सकते थे मुझे। अरे जब वो बचा रहे हैं तो मुझे बचाने की क्या जरूरत है? सर, सर आप तो कमाल के हैं सर। सर आपने अपना सर मार मार कर उनका सर तोड़ दिया सर। सर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सर कभी नहीं देखा सर। सर आपका नाम क्या है सर? ओए आपका काम हो गया, आपको नाम से क्या है जी? हाँ कमाल है सर। सही बोल रहे हैं, जब तुम्हारा काम हो गया है तो तुमको उनके नाम से क्या मतलब है? सर जब आपके सर में सर ही नहीं है तो आप क्यों बोलते हैं सर? भाई कमाल है, कहती है मेरे सर पे सर ही नहीं है। सर ये जमादार, ये चारों हसीनाओं को बाबू करेला की तरफ से ठंडा फ्री में दे डाल। जी साहब। क्या बात है बाबू,
या तो टुक्की मार के सिंगल रन लेने का सोच रहा था या तो सीधा चौका बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अंदर कहाँ जा रहा है? अरे यार तुम लोग इधर ठंडा ठंडा बियर पी के जान बना रहे हो, वो मेरे को मार डालेगा यार देखो। अरे कौन? अरे वो करण यार। करण? किधर है करण? आज मार डालेंगे उसको। हलवा है वो आएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। अरे वो आएगा लेकिन दो तीन जन लोग को लेके जाएंगे। लेकिन ये चौथा क्यों? ये चौथे का चौथा क्यों यार लेके जाना? तो तेरे को ले जाए, तेरे को मेरे को क्यों यार? तू कमजोर है ना इसलिए। तो बॉर्नविटा पियू हॉर्लिक्स पियू? एक काम करो यार, वो बड़े मास्टर को फोन करो, बोले ये छोटे से स्टूडेंट की लाइफ खतरे में है यार। ओए करेले ये खांपना बंद कर, छोटे से काम के लिए बड़े मास्टर को याद करने की क्या जरूरत है? अरे वो करण जेल तोड़ के भागेला यार। भाग गया तो क्या हुआ, मेरे हाथों एनकाउंटर में मारा जाएगा। ए भाई जब तू उसको मारेगा ना तो बरोबर उसके पास नाक के पास हाथ ले जाके देखना, सांस चल रही है क्या, उसकी नाड़ी देखना, अगर वो खड़ा हो गया तो तेरे को लेके जाएगा। अरे वो बहुत डेंजर। ये तो कायर है यार, कायर। अभी कायर है के मोटर का टायर अपन पंक्चर है बाबा। पलकों की बस्ती में, आंखों की मस्ती में, पलकों की बस्ती में दिल मेरा रहने लगा। आया है सुहाना ये प्यार का जमाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। मिटने दो अरे होठों से, होठों पे होठों को लिखने दो। कोई तुमसे
हस्ती में पलकों की बस्ती में है सुहाना ये प्यार का जमाना दीवाना मैं दीवाना मैं तेरा दीवाना ओ अरे कौन है यार ओए भाई साहब कैसे गाड़ी चलाते हैं आप लोग one sec ये मेरे cousins हैं and she's my mom and he's my friend Karan oh I'm so sorry nice to meet you Karan hi nice meeting you hi nice meeting you hi मेरे को भी नमस्ते नमस्ते I'm so sorry rash driving होगी थोड़ी सी कोई बात नहीं इनको कभी घर ले आओ oh yeah आओगे ना जरूर ठीक है तो मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ all right आना अच्छा बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर अच्छा नमस्ते नमस्ते अरे बाबू भाई आप अकेले खड़े हो नहीं नहीं हाथ में ग्लास है अरे अभी क्लास ढूंढ के आता हूँ हेलो क्या बात है भाई साहब चलो यकीन मानो तो आज भी इन बड़ी पार्टियों में आकर मैं अपने आप को खोया खोया सा महसूस करता हूँ पापा मीट करण हाय अंकल ओह माय गॉड ही इज सो हैंडसम अंजू आई लाइक योर चॉइस थैंक यू पापा मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे डायमंड मिल गया है तो मेरी बेटी को पसंद करता है तुमने मुझ पर एहसान किया है कम ऑन अंकल अपनों पर एहसान करके ऐसे भी इंसान खुद पर एहसान करता है वैसे मोहब्बत एहसान नहीं मर्जी होती है अच्छा बोलता है आई लाइक इट हमको तुमसे मिलना मांगता था इसलिए हमने एक छोटा सा पार्टी रखा है लेकिन मुझसे मुलाकात करने के लिए आपने इतनी बड़ी पार्टी क्यों दी थी ओह मैन मेरा शिपिंग का बिजनेस है हमारे पास बहुत पैसा है 40 ships आज इंडिया में हूँ कल लंदन में हूँ परसों कनाडा तुमने मेरी बेटी को पसंद किया और मैंने तुम्हें अपना सन इन लॉ यस यू लाइक इट हैव अ नाइस टाइम एंजॉय ओ करण चलो तुमने मुझे बताया नहीं तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो डैडी को ऐसा दामाद चाहिए था जो सिर्फ उनकी बेटी से मोहब्बत करे उनके पैसों से नहीं ये तो अच्छा है कि तुमने मुझसे हकीकत छुपाए रखी वरना मैं ये अलग से कुछ कपड़े पहन रखे चलो अंजू मैं चलता हूँ जाना जरूरी है क्या नहीं कोई खास नहीं तुम कहो तो मैं घर दामाद बन जाता हूँ मजाक मत करो आज तुम रुक जाओ ए ये डैडी ने तुम्हें इजाजत क्या दे दी तुम तो बड़ी तेजी से निकल रही हो सोच लो कहीं तहजीब के दायरे ना टूट जाए होने वाली बीवी की बात सुनना भी एक तहजीब होती है ना एक एक जाम हो जाए जाम तुम पीती हो बहुत पहले कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास होने पर स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में पी थी और आज ये सच जो तुम्हारी आंखों में बेदाग चांद की तरह दमक रहा है इस सच के नाम पे हो जाए एग्जाम प्यार करने वालों के जाम दो नहीं जाम एक होता है
जाम में वो बात कर जो इस जाम में। मैं तुम्हें इस खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैंने कोई खून नहीं किया। ये तुम कोर्ट में बताना। चलो। अब तो गया साला। बस गया साला। मुजरिम खून और इस पुलिस वाले के माथे से निकला हुआ खून दोनों मिल गए हैं। बन गए ना तुम पक्के खूनी। माल खाई लिया। आ जा बेटा, अब पकड़े जाएंगे साले। यार आज तो खाने में चाइनीज और मुगलाई भी मिलेगा, जल्दी चल। अरे चल, हमेशा खाने की बात। चल अपनी रोजी रोटी ले, चल चल। यार मेरे को बहुत भूख लगी है यार। हाय हाय, चलो। हाँ हाँ, हाँ यार
हाँ ये बेचारी हमारे चक्कर में रात भर जागी रहती है। यार इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे चाइनीज खाने को नहीं मिलेगा यार। चाइनीज? हाँ। तुझको हमेशा खाने की पड़ी रहती है क्या? अरे भूख लगी है यार। लगता है पानी पी के ही सोना पड़ेगा। पा? नी। पानी? हाँ। आज खाने का क्या होगा यार? अरे यार टीटो मेरे को तो बहुत भूख लगी है यार। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। हाँ यार। हाँ? ए? दूध? पानी की जगह दूध? अपनी तो निकल पड़ी यार। लेकिन एक बात है यार। हाँ? आज इसने पानी की जगह दूध क्यों रखा है? अबे हाँ? दूध ही रखा है ना। हाँ? जहर तो नहीं रखा है ना। हाँ? मैं कहता हूँ चुपचाप डकार लेते हैं। अरे दूध पियो, दूध पियो, अरे दूध, दूध। बहुत टेस्टी यार। इतना इतने दिनों बाद दूध मिला। छोड़ यार, अलार्म लगा। वो बुढ़ा अंकल उठेगा रे। बुढ़ा जाग गया तो वाट लग जाएगी, घर से निकलना पड़ेगा। जय बजरंग बली, एक दो कस्टमर देते कल। तोड़ दुश्मन की नली। गुड नाइट। गुड नाइट। ओ मेरे भाई, अलार्म बजते उठ जाना, समझा? हाँ हाँ उठ जाऊंगा। हाँ गुड नाइट। उठो सेठ जी, सुबह हो। जिंदगी में पहली बार सेठ जी का रुपया देख रहा हूँ, एकदम खुला और आजाद। ये रुपया तो हम आज चुरा ही लूंगा। जेब से पैसा चुरा रहा था है? बिटवा यहाँ दल दिख रहा है, अंदर चूहा दानी रखी है। यहाँ सौ सौ की गड्डी है, अंदर सांप भी है। हाथ डाल के निकाल ले। नहीं, 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 नहीं। चोरी करता, चोरी करता है। ये नहीं कि नौकर लोगों को 25-50 रुपया दे दिया करे, 100 रुपए की चूहादानी खरीद के आ गए। चूहादानी खरीद के नहीं लाए, चूहादानी की फैक्ट्री खोल लिया है। ये चूहा भी पकड़ती है, चोर भी पकड़ती है। तला कंधा खून नोट पे लगा दिया है। क्या इसको धोई के ला? नहीं नहीं, तेरे को नहीं देंगे। हराम खोर। एक चूहा तो यहाँ पकड़ा गया, दो चूहे हुआ है, अब जाके उनको पकड़ते हैं। उठ। सुन देना यार। अच्छा उठ। अबे फुट। अबे तेरी तो उठ। झटका लग रहा है। उठ। अबे उठ। अबे अलार्म नहीं बजा। बैंड बज गया, सामने देख बैंड मास्टर बैठा है। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे ठीक से देख। तो बहुत हराम का चाइनीज जो मुगलाई खाए लिए हैं, अब हम उसी मुगलाई के चक्कर में तेरी धुलाई करने आए हैं। सर आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बच्चे हैं। ओह नन्हे नन्हे, प्यारे प्यारे। ओह नॉटी नॉटी, फैटी फैटी। देखो फैटी, हम तुमको ऐसी चपाती बनाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। आज शाम तक अगर हमारा इस कमरे का किराया और उधार और उसका जो ब्याज होता है वो नहीं दिया, आप हमको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, ये मेरी तरफ से तुमको लास्ट वार्निंग है। अरे यार पहले भी लास्ट वार्निंग दी थी यार, मैंने सेमीफाइनल कर दी थी ना, तो मैंने कैंसिल कर दी। आपके हम जो कह दिया है वो तुम्हारा बाप भी चेंज नहीं कर सकता है। शाम को पैसा चाहिए वरना। ठीक है, हम लोग अपना सामान उठाकर घर से बाहर चले जाएंगे। चले जाएंगे सच्ची? सामान उठाए के चले जाएंगे? तुम्हारे बाप का सामान भरा है यहाँ? अबे जब यहाँ आए थे तुम लोग नंगा थे, एक जोड़ी चप्पल पहना था, वो भी फटा हुआ, पता नहीं कहाँ से चुरा के लाए थे, उसका पैसा हम दिया, समझा? उसी हालत में बाहर निकाल देंगे। इतने शाम को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, समझ गया? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बिस्तर पे नहीं नीचे। और याद रखना कि शाम को पैसा लेके आना है। गेट आउट। जाऊं? आउट। टिटो चल टोनी। काफी कपल्स हैं, टिटो शुरू हो जा। ये एंगल बहुत सही लगा, बहुत बढ़िया। जिन सबकी फोटो लेते चल। ठीक ठीक ठीक, उसकी खींच। देख 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 कैसे रोमांस कर रहा है, देख खींच, अभी इसको पता चलेगा। उधर देख। बहुत हंस रही है। उधर उधर वो उधर देख, उधर देख। ओए मजनू,
क्या है बे? हाँ क्या क्या है? फोटो है तेरा, क्या करूँ? बजना है तो निकाल, 500 रुपया। पैसे निकाल, नहीं तो फोटो तेरी माँ के पास पहुँचा डालेंगे हम लोग। अबे ओए, कल ही मेरी माँ की दूसरी शादी हुई है। क्या? और आज हनीमून मनाने के लिए होनोलुलु गई है। होनोलुलु? चल बाबा, लेट्स गो टू लू। रोमांटिक हीरो, वोट ये। हेलो, चल निकाल 200 रुपया। चल पब्लिक प्लेस पे 200 रुपया दे, नहीं तो फ्रंट पेज पे छाप दूंगा तुम लोगों की फोटो। तुम लोग का फोटो है, चलो पैसे निकालो। क्या है? क्या रे, आजकल हम यंगस्टर लोग एक ही तो काम ठीक से कर रहे हैं। चल निकाल। और तुम सालों वो भी करने नहीं दे रहे हो। कौन सा काम? वो है रोमांस। रोमांस तेरी, कम ऑन गाइस, इनको मारो। अरे नहीं, मारो सालों को। यार टिटो, बोल टोनी, बहुत भूख लगी है यार, चलना कुछ खाते हैं यार। इतनी मार खाई, तेरा अभी तक पेट नहीं भरा? पागल, मार खाने से कभी पेट भरता है क्या यार? चल यार बैठते हैं, तू कुछ खा पी ले। हाँ यार। यार माल पानी जमा करने के लिए कुछ चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। अभी अभी जो तूने चक्कर चलाया ना, उससे मेरे को अभी तक चक्कर आ रहा है, तेरे को मालूम? यार बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले तू कुछ खा ले। लेकिन तू सही बोलता है यार, कड़की दूर करने के लिए माल का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। पहचाना? अरे पाजी, आप तो वही है ना? जी हाँ, उस दिन लड़की छुड़ाई थी, आज कड़की छुड़ाने आया हूँ। पैसे वैसे कमाने? तस्वीर देख रहे हो, इससे टूटने वाले को 1 करोड़ रुपया इनाम है। 1 करोड़ रुपया? हाँ, पता है, देखा है हमने। हाँ लेकिन पाजी इसे तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए पाजी। बहुत ढूंढा पाजी, लेकिन ये मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते हैं। बहुत ढूंढा, नहीं मिलता ना, इसीलिए मैंने भी बहुत ढूंढने के बाद तुम दोनों को ढूंढा है। अच्छा जी, मैं तुम्हें इसका पता बताऊंगा। क्या? लेकिन तुम लोग दोनों बातें बहुत करते हो, आज से नो टॉक ओनली एक्शन। ओके पाजी। क्या पोनी पाजी, आप तो वही है। अबे बेवकूफ, ये वो नहीं, वो ही ये है। अबे नहीं बेवकूफ, दाढ़ी मूछ और पगड़ी निकाल दो तो ये वही है। अरे बेवकूफ, तू देख क्या रहा है? उसे पकड़ना। जकड़ना। अरे मुझे क्यों जकड़ रहा है यार, उसे पकड़। सर जी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई सर जी। और सर मेरा रोमांस भी आधा भटका हुआ है। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए पटका दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, और अगर मेरी बात मानी तो तुम्हें इनाम के 1 करोड़ रुपए दिलाऊंगा, जिसमें से 50 लाख मैं रखूंगा, 50 लाख तुम्हें दिलाऊंगा। सर हम 50 लाख रुपए के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ कुछ भी। ओह कुछ भी? शट अप। क्या कहा? 50 लाख? हाँ जी। हाँ। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। जी जी। वो 50 लाख तुम लोगों को मिलेगा? हाँ जी। आदमी है कहाँ? ऊपर बेडरूम में। बेडरूम में? हाँ। अच्छा? हाँ। बेडरूम जम गया। चलो सब जम गया। 50 लाख जी? अरे 50 लाख ही है, बड़ी खुशी भी आपसे मिलकर 50 लाख जी। अरे साडा नाम बोनी सिंह है, 50 लाख नहीं है। आप दुनिया के लिए बोनी, मगर हमरे लिए तो नोटों की गोनी। का पियेंगे? ठंडा गरम चाय काफी का लेंगे? यहाँ से नीचे जाने का क्या लोगे? जो आप दे देंगे। अरे वो लौंडा लोग आपका का काम करेंगे? का ढूंढेंगे उस आदमी को? हमको अपने धंधे में इन्वॉल्व कीजिए, हमको दीजिए, फिर देखिए हम कैसे ढूंढ के लाते हैं उसको। क्या हिस्सा लोगे? केवल 50 लाख। तो कैसे लोगे 50 लाख? व्हाइट में लोगे, ब्लैक में लोगे, क्या हिसाब रहेगा? कहे कि हम कलर भूल गए हैं, याद करके आते हैं फिर आपको बताते हैं। आप जाना नहीं है? अभी आते हैं। अरे सुनो की लगी रे, कहा करो? अरे चुप 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 चुप
भाई बिंदास खाने का अपुन का हैप्पी बर्थडे करेले का आंडू पांडू का नहीं है करेला जी हैप्पी रिटर्न हैप्पी रिटर्न एक्सक्यूज मी फोन आया लाया हेलो करेला मैं अमरू बोलो कुछ गुंडे तलवार लेकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े यार क्या तू जिप लगा के आधे में भागा अरे अपन अरे 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 आज मेरा हैप्पी बर्थडे यार मैं इतने मेहमान बुलाया चलिए मैं एक आइटम बुला लाऊं अच्छा आइटम जाने दे ये तलवार कौन खींच रहा है ये तो बता तू जरा मेरे को समझा यार तेरे पे तलवार मेरे पे गोली ये करण मेरे को लगता है ऊपर पहुंचा गया यार करण भाई मैं तेरा दोस्त हूँ हेलो कौन ओए खोचे हम पठान बोलता है अभी अभी तुम पैंट का जीप लगा के भाग है ना तुम मरने वाला है क्या ओए पठान लोग बोल के मारता है खुदा हाफिज अच्छा अच्छा तो तेजपाल ने मेरे को मारने की आपको सुपारी दी ए पठान भाई मैं आपको तेजपाल से डबल पैसे देता हूं आप तेजपाल को उड़ा डालो ओए पहले हम उसका सुपारी पे तुमको उड़ाएगा फिर तुम्हारा सुपारी पे उसको उड़ाएगा क्या सबको उड़ाएगा तुम सब उड़ जाएगा तुम लोगों ने तेजा को फोन किया यस सर वो 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है और सर उसने हमें अपने बंगले पर बुलाया कितने बजे शाम 9 बजे गुड मगर वहां पर तुम लोग 9 बजे के बजाय 10 बजे पहुंचना वो क्यों सर सर शट अप कौन है बे अबे किसको बोलता है ओए कौन है बे ओए हम अफगान का तूफान नाम शेर खान जात का पहचान दुनिया का दरदान मिटाने आया तेरा नाम और निशान क्या एक बार हम किसी का सुपारी लेता है तो उसको उड़ा के रहता है मैं तुम्हें डबल देता हूँ मेरे वो गद्दार दोस्तों को मारो ये लो ओए तुम शेर खान को खरीदने का कोशिश मत करो मेरे को बहुत लोग खरीदने के लिए आया लेकिन मार्केट में कूद बिक गया फिर भी तुम्हारा शक्ल हमको थोड़ा ठीक लगता है चलो छोड़ देता है क्या बात कर रहा है आला डबल नोट ला ये लो भाई ये लो तोहफा ये क्या है ये 2057 है 2057 ओए खोचे हम दुनिया से 50 साल आगे चलते हैं अभी तुम्हारा दुश्मन तुमको उड़ाने के लिए आएगा खुद उड़ जाएगा चला लेगा हां चला लूंगा तो चलता फिरता नजर आएगा नोट तो असली है क्या बात कर रहे हो पठान भाई नहीं तो हमारे पास एक 2058 भी है 58 हां अगर खान से दुश्मनी करेगा तो याद करना गुलदस्ता वही रहता है गुल बदल जाता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज मजाक हुआ ओए मजा करो यार अच्छा मजाक और ये तीनों का तस्वीर का लाखों रुपया लिया है अब ये तीनों गया काम से मजा हुआ अरे साहब आप हमारे इन गूंगे बहरों को कहां ले गए थे ओ शूटिंग दिखाने के लिए लेके गया था लेकिन हमारा वो नकली एके 2057 ओए वो तुम्हारा नकली एके 2057 ही तो असली काम करेगा हम वो एक आदमी को तोहफे में देके आया है और देखना अब ये है क्या हमारे तोहफे के बदले में उसको क्या तोहफा मिलता है आगे नहीं आना मैं कहता हूं आगे नहीं बढ़ना मैं बोलता हूं मुझे गोली नहीं लगी और मुझे भी नहीं लगा मैं भी जिंदा हूँ अरे पठान को सुपारी देगा हमको मारेगा धोखेबाज
तूने दोस्तों की पीठ पे चूरा घोंप दिया। मार साले को। पूरे 10 बज रहे हैं। उस सामने देख तेजपाल का बंगला। टिट्टो हाँ? बहुत अंधेरा है ना यार। अबे तुझे डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लेना। क्यों? ये देख सामने कब्रिस्तान है। हाँ? ये देख कब्रिस्तान। हाँ? नहीं। हाँ? अरे बाप रे। अरे मेरी टोपी। अरे बाप रे टोपी। कब्रिस्तान में गई तेरी टोपी। तू जा जा मेरी टोपी लेकर आ। अब टोपी लेकर आना। देख देख अब कब्रिस्तान में टोपी गिरी है ना। तो देख टोपी तो तेरी है ना। मैं प्लीज तू ले आ। यही पर है यार। देखो टोपी तुम्हारी है तो तुम्हें टोपी लेके आनी चाहिए। क्या बजरंग बली? अरे अरे मुझे अकेला कहाँ छोड़ के चला गया? अरे कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो नहीं संभाल। हाँ संभाल। अरे तू मुझे संभाल। बहुत अंधेरा है यार। तू उधर देख। ऊपर दरवाजा खटखटाऊं? एनीबडी होम? एनीबडी होम? तेजपाल जी? सेठ जी कहाँ हो जी? कहाँ है? बाहर आइए सर, जल्दी आइए सर, हम लोग आ गए। अरे साला बन गए करोड़पति, इसी में एक करोड़ रुपया। अरे मुझे भी गले लगने दे। लगता है पार्टी बड़ी सॉलिड है, पहले से इंतजाम करके रखा है। ए कहीं ऐसा तो नहीं इसमें 10-10 के छुट्टे? अरे मेरे को तो 2 और 5 के लगते हैं यार। मुझे तो 1-1 रुपए के छुट्टे लग रहे हैं। अरे 5 क्यों, 1 क्यों? तू उसको उठा ले जल्दी। उठा लूं? इससे पहले कोई आए तो उठा। उठा लूं? ये टोली, टोली मैं नहीं, पहले हार्ट अटैक आ गया तेरे को। अब देख मैं उठा। बहुत भारी है यार, तू उठाएगा? ओए उठा ले, पहली बार उठा लिया। जल्दी चल, लाइफ बन गई। जल्दी आ जा। गोली तो बहुत भारी है। अरे भारी है तो अच्छी बात है ना, लगता है बहुत ज्यादा माल भरा हुआ है। अरे तू चिंता क्यों करता, मैं मदद करता हूँ ना तेरी। अरे क्या हुआ? टिट्टो टिट्टो टिट्टो, सुना था झूठ के पाँव नहीं होते, सच है, मगर नोट के पाँव होते। नोट के पाँव? बाहर देख रहा हूँ यार। अबे रात में तेरे को नोट के पाँव का नजर आ रहे हैं? अरे तेरे पीछे देख। पीछे? अरे वहाँ नहीं, किधर है? अरे यार तू छोड़ यार, तू चल, पैसे लेके भी फंस गए यार। चल यार, पैसे तू ही रख अपने पास। अरे यार बहुत टेंशन हो गई यार। टिट्टो टिट्टो, नोट के लाल कलर के हाथ। अबे रात को तू हाथ पाँव मत देख बाबा, नाइट में। अरे मेरे हाथ में गोनी और गोनी में मनी है। नहीं, अबे क्या प्रॉब्लम है टिट्टो? गोनी में मनी नहीं है। अबे देख रात को क्यों चिल्ला रहा है यार? देख देख टिट्टो निकाल, टिट्टो इसको बाहर निकाल। कौन टिट्टो? ये कौन है टिट्टो? अबे अबे अरे ये तो तेजपाल है। अरे बाप, टिट्टो टोनी चल, टोनी भाग, भागो भाग भागो, टोनी चल भाग, टोनी अब तो फंसेंगे। हाँ यार जल्दी चल, किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी घुमा स्कूटर, जल्दी घुमा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मौत आती है, जान जाती है, कोई हो ना हो पर है कोई इस साए के अंधियारे से जो घबराया हमसे। गया काम से साला, गया काम से। पैसे मिले? नहीं। वहां पर कुछ मिला? हाँ हाँ मिला, हाँ, मिला ना मिला। गोनी
गोनी में क्या था? था ना सर, जब हम वहां पहुंचे वो बिल्कुल था हो चुका था। क्यों, ऐसा क्या था? तातैया दिन था। हाँ? कुछ लाश वाश नजर आ गई क्या? हाँ, 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 हाँ? नहीं 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 एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली ये सब हुआ कैसे? hey! तेरे को क्या करना है यार, तू अपने पैसे गिन वरना वड़ा पाव के भी वांदे हो जाएंगे। तू सही बोल रहा है यार, ये हमें कुछ बताएगा नहीं। हाँ चल चल, अबे देख किधर गया यार, किधर गया, मिल ही नहीं रहा। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर 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 सर, वो जो मोबाइल आपने दिया था ना, वो तुमने भेज मारा? नहीं सर, सर लगता है वो लाश के पास ही गिर गया है। लगता नहीं है, गिरा है। कभी जेल गए हो तुम लोग? क्यों? अगर नहीं जाना चाहते हाँ तो जल्द से जल्द मोबाइल ले आओ। हाँ? हाँ? अबे चल 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 चल। रजत भाई साहब, ये देशपाल का जिसने भी गेम किया ना 100% मेरे को मालूम है। मालूम है जो मेरे कान में सीटी बजाता ना वही कातिल, जो कोई भी है बचेगा नहीं। थैंक यू। अगर ये मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया तो तू तो गया काम से, तो तू भी गया काम से। अभी चल चल चल, कोई गल नहीं, शाम को ठीक पार मुझे मिलते हैं। हाँ हाँ, स्विमिंग पूल पे फड़ मोबाइल तुम लोग वहां पर भूल आए थे। पुलिस की जीप देखकर तुम्हारे कदम रुके। अच्छा हुआ मैंने लाश के पास उठा लिया। बी केयरफुल बॉयज। लेकिन सर वो शट अप। अब तुम लोगों ने एक और काम करना है, कल सुबह मेरे साथ एक जगह चलना है, कोई खास लुंगी वाला है। लेकिन अरे एक बाइट देना। हाँ। अरे किरण रेडी को, मुझे सराडी के काम से जाना। तुमने तो अपना सारा टाइम काम के नाम कर दिया है। लेकिन दिल तो तुम्हारे नाम है ना। लेकिन दिल लगाने को दो पल नहीं है तुम्हारे पास। अरे दो पल क्या, मैं तो सातों जन्म तुम्हारे नाम कर दूं, मगर बिना इनकम के क्या फायदा। ओके नो प्रॉब्लम, तो तुम मेरी इनकम को कर समझ के यूज कर लेना। ओ रियली, ये हुई ना बात, मगर बाद में वापस कर देना। किसका दिया है जो तुम्हारा देंगे। देखना एक दिन मेरा 50 लाख कमाने का सपना जरूर पूरा होगा। यस, सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं। ओ रियली, फिर तो तुम सेकंड नंबर पे आ गई। क्या? क्योंकि कल ही रात मैंने सपने में देखा, मेरे सपने में अमीषा पटेल आई थी। यू ब्लडी चीट। हाँ? अमीषा पटेल। हाँ? अरे लेकिन क्या? तुम्हारे सपने में ऐश्वर्या राय और करीना कपूर आती है। अरे मैंने आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जय माता तुलसी माता दया करो। ए मालूम है मेरे को। हाँ, तुम अपने घर में जाके झांकना, दूसरों के घर के अंदर नहीं झांकने का, ये मेरा बीवी। सॉरी अन्ना। ए नजर पड़ गई मेरी। एक देगा ना तो मालूम नहीं किधर पड़ा होगा। पूजा में ध्यान देने का कि तुम पे ध्यान देने का, साला ध्यान तुम भटका था, ऐसा कर्म करेगा तो तुम लोग दोनों समझ गए। आपका इशारा ही काफी। आजकल बड़ा जल्दी समझने लगे दोनों। सर वो लास्ट एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा था ना। ये कौन फिर से मेरे घर के अंदर झांकने को आया? मैं छोड़ेगा नहीं। नमस्ते भैया, आप कौन जी? हम आपके पड़ोसी के बारे में बताने आए हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं। भैया किसका बात करता है? अरे वही जो आपकी बीवी पर नजर रखता है। बुरी नजर। वो सुकड़ा इतना डेंजर आदमी है। उस
उससे बच के रहना। जंतर मंतर जानता है, जादूगर है वो, आपको गुम कर सकता है। अरे आपकी बीबी को भी गुम कर सकता है और आपके छोटे छोटे बच्चों को भी। अरे आपकी तिजोरी में पड़े हुए माल को भी अपनी तिजोरी में कर सकता है। ऐसा कैसे कर सकता है जी? अरे वो औरतों की लाश पे वो क्या 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 काला जादू करता है। आइयो जल्दी बोलो बाबा। बकरे की मुंडी काट के जादू करता है, शमशान से लाई हुई मुर्दे की खोपड़ी पे डांस करता है। डांस नजर रखना वरना आपकी बीवी। चलो अब हम दिन में भी नहीं सोएगा, रात को भी नहीं सोएगा, वॉचमैन बन के उस पर नजर रखेगा। या कोई भी नहीं, फिर भी यहाँ कौन आता है कौन जाता है कुछ मालूम नहीं। हाँ अपने आप बेल बजता है, क्यों बजता है? अरे सुन रे, आई ए, सुन रे आई। अयो क्या चिल्लाता जी, आगे बोल। अरे क्या खोपड़ी खोपड़ी करके चिल्लाता है, तुम्हारा खोपड़ी सड़ गया है, तुम्हारा खोपड़ी बंद हो गया, पीछे देखो नीचे। नीचे क्या देखने का? मेरे को लगता है ये वो तांत्रिक कड़की आए ना, उसी का काम है। मैं उसको छोड़ेगा नहीं, मैं उसको पकड़ेगा भी नहीं, उसका बैंड बजाएगा। चलो चल के उसका घंटी बजाता है। हाँ, पार कर ले। अन्ना अभी क्या हो गया सुबह सुबह यार? तुम कल सुबह सुबह बकरे का मुंडी काट के हमारे घर के सामने डाल के गया, आज शमशान से आदमी का मुंडी ला के हमारे घर के सामने रखा, इसका सूप बनाकर तुम पीना। अन्ना तू मेरी खोपड़ी बात खराब करा, मैं बोल के रखता हूँ तेरे को। मेरे को मालूम तू एक नंबर का जादूगर, तुम सोचता है मेरी तिजोरी का सारा माल तुम्हारे घर के अंदर शिफ्ट करने को देखता है। ये अन्ना ये सब देखता है, मेरे का इतने बुरे दिन आ गए, मैं तेरे घर में मैं देख रहा हूँ, तू मेरी बीवी पे हाथ साफ करने को देखता है। ये अन्ना मैं क्या इतना गिरा हुआ हूँ क्या? अरे एक नंबर का जादूगर है तू। मैं तेरे को कहाँ से जादूगर दिखता हूँ यार? मैं पूरा सिटी को सिटी बजा के जमा करेगा, पूरा मोहल्ले को जमा करेगा, मैं तेरा बहुत लफड़ा करेगा। नहीं 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 अन्ना देखो तो मेरी बात समझो, अपन अच्छे पड़ोसी है, घर में पड़ा रहे ना, तो फिर तू अपने घर में पड़ा रहे, जा अपनी बीवी के साथ निकल यहाँ से, निकल। जाता है क्या? मैं इधर देखता है, चलो जी। ओह ओह आजा निकाल। हाँ लड़की को निकाल 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 निकाल, मत कर कोई सुन लेगा। ओह हाँ निकाल। अरे हाँ ला निकाल। निकाल रही हूँ, कितनी बार बोलेगा दे। अरे जल्दी कर, उठा 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 इसको। हाँ जल्दी उठा रही हूँ ना। हाँ। चल 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 बंद कर, चुपके चुपके चल आ गया मेरी। अच्छा चल चल। मुल्ले वालो करेला भाई आ गए। कैसे कितना कीचड़ है इधर यार। अरे बाबू करेला तू रोज रात को अकेला सोरेला।
कोई तो हो यार जो अपने साथ शोल्डर मुंडी अरे बाप ये और अरे ये तो अमरू भाई ने भेजे ला यार ये उठना ए ये तो एकदम ठंडी है यार यानी हथकड़ी ये बाबा मेरे को तो ये सिटी वाले की प्लानिंग लगती है ये सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है अरे साला मुंह से निकलने के हथकड़ी लग गई हथकड़ी हाँ जी अरे लेकिन बेन मेरा कसूर क्या है अरे पुलिस स्टेशन चल के बताएंगे अरे तुम लोग वहाँ बताते कम क्यों मारते हैं बहुत तो यार गेहूं टाक चल 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 मेरा क्या कसूर है यार ऐसे यार ओए पहले औरत का किडनैप फिर उसका मर्डर फिर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करके जादू टोना करना किससे सीखा तेरे बाप से ओए सर सर न मैं जादूगर हूँ न किलर हूँ न मेरे को जादू टोने आते हैं बल्कि वो सीटी बजाने वाले से बचने के लिए मैं खुद किसी की तावीज लेके पहनता हूँ मां कसम ए डू योर वर्क बग मी तो जा साठी बटाटा वड़ा आन ली ओफो मैं काशी का तू महाराष्ट्रन तेरी कोई बात मुझे समझ में नहीं आती मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि माला निशा पाइजे इंस्पेक्टर सर वहां से नहीं चलेगा यहाँ आओ हम शैतान पुलिस चौकी से आए हैं और ये उस औरत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाए चेक करिए उसी के चक्कर में उसी के मर्डर के केस में ये सफेद शर्ट वाला अंदर है ऑफिसर सुनने में आया था उस औरत के ऊपर चुड़ैल का साया था अरे पर इतनी खतरनाक औरत को मेरे बिस्तर पर डाला कौन अरे वही जो तुझे मौत की नींद सुलाना चाहता उस औरत की डेड बॉडी ऊपर हॉस्पिटल के मुर्दा खाने से 8 घंटे पहले किडनैप की गई थी 8 घंटे पहले अरे उस औरत का तो दर्जन पहले ही मर्डर हो गया था इंस्पेक्टर सर क्या बात करते हैं तो इस हिसाब से उस औरत का मर्डर जो है इसने नहीं किया है तो काहे पोपट की तरह बंद किया इसे क्या बात करते हैं इसका मतलब ये खूनी नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है ऑफिसर इसे छोड़ दो ओके सर ओके नहीं जल्दी छोड़िए अब भी छोड़ा हवलदार चला छोड़ दो इसको निकलो बाहर क्या है चल भाग यहाँ से निशा पाई जे यस सर इसका पीछा करो राइट सर और इसके रैकेट का पता लगाओ सर इसको पूरे सबूत के साथ अगर गिरफ्तार नहीं किया तो मैं इंस्पेक्टर कामदेव नहीं यस सर जाओ अरे यार ये म्यूजिक क्यों रुक गया करण करण नहीं तेरी मौत का कारण मैं तुझे अमरू चमिया करेला आ गया नो टेंशन
दो मैं आ गया रमैया बस क्या छमिया रमैया बस क्या छमिया। अमरू अकेला अकेला छमिया खाएगा तो करेला क्या खाएगा? ये अमरू अपुन के बिना अकेले के अरे मर गया क्या? देख अमरू मैं आखिरी बार तेरे को बोलता हूं, अपन साथ में एंजॉय करते साथ में डिनर लेते अपनी ऐसी दोस्ती है। देख तू दरवाजा नहीं खोला, जब मेरा टाइम आएगा तेरे को बिल्डिंग में घुसने नहीं दूंगा। मर साले। अरे अमरू मैं भी तेरे को एसएमएस करके खंडाला बुलाता हूं, उधर ठेंगा मिलेगा तेरे को। देख अबे खुजली वाले कुत्ते छोड़ूंगा। दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। वो देखो कहा था ना रंगे हाथ पकड़ेंगे। सर पहले औरत का लाश मिला और अब मर्द का। यू आर ग्रेट सर। लेट इट बी। चले शट अप। ये वक्त पीछा करो। खुल गया। वाह क्या आर्ट है तेरे हाथों में। सर जी ने बोला यहीं से करोड़ रुपया मिलेगा। ए ये बालकनी तो टूटी हुई है यार। हाँ यार क्या कर रहा है, संभाल। देख कोई टक्का लगता है। पहले भी लाश का चक्कर था। चल एक पैग मारते हैं। अरे अब पागल हो गया क्या? अरे ऐसे एटमॉस्फेयर में कोई पैग मारता है? अरे ये एटमॉस्फेयर बदल देगी। मुझे तो लगता है यहाँ से जरूर कोई टपका है। ऐसे कैसे बोल सकता है तू? अगर आज भी सरजी ने गाना गाया गया काम से तो समझ लेना आज भी कोई टपका है। अबे तू मेरे पे क्यों टपक रहा है? मैं भी टपक जाऊंगा। थोड़ी हार्ड थी यार। अरे भाग मेरे को तो टेंशन हो रही है इधर। रुक रुक। अरे चल चल। अरे चल ना। चल। अरे किसने बोला था पीने को? संभाल। क्या संभालू? अरे दादाजी। अरे डड्डा डड्डी मैंने नहीं मारा किसी को यार। वो सबका वो सिटी वाले का। अरे जो सिटी वाले लोग तो हम हैं, पुलिस वाला। अरे वो सिटी वाला मिलिट्री वाले का भी बाप है यार। गबस नहीं तो देखिए गुंडे याद का तेरे को। लगता है तेरे बिजनेस पार्टनर को मुझे यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। जेल जाओगे? जेल? गरीब आदमी जेल जाता क्या है? धुआं का है ना, किसी को अंदर से बाहर निकालना है। अच्छा ऐसा ना हो कि वो ससुरा बाहर आ जाए और हम फिक्स डिपॉजिट की तरह अंदर फंस के रह जाएं। ऐसा नहीं होगा, उसकी तरकीब है मेरे पास। पक्का? ये कितना मिलेगा? 50। फकीर समझा क्या? 50? 50 रुपए में कोई अंदर जाता है क्या? मैं 50 लाख की बात कर रहा हूँ। 50 लाख? तो ऐसे नहीं बोल सकते। अबे ये 45 kg के ऊपर ये 90 kg का बुलडोजर आके कैसे गिरा? मेरे को चपटा करेगा ये? अरे तेरे को चपटा करके चटाई की तरह लपेट के हम यहाँ से बाहर ले जाने वाले हैं। ये कौन सा सिस्टम है? ये नवा सिस्टम है। हम तेरे को यहाँ से बाहर निकाल के नेशनल पार्क ले जाने वाले हैं। अबे नेशनल पार्क के कौन से पिंजरे में जानवर मिसिंग है जो तू मेरे को यहाँ से निकाल के वहाँ ट्रांसफर करने वाला है? नहीं जानवर तो मिसिंग है मगर तुम जानवर के लायक नहीं हो। बात का है कि एक आदमी हमको तुमको यहाँ से बाहर निकालने का 5 रुपया दे रहा है। हाथ दुख रहा है का? नहीं 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 ये याद है 50 लाख दे रहा है। अभी तो मेरे को हंसा रहे ला। अरे मेरे को यहाँ से निकालने के लिए तेरे को 50 लाख कौन सा दीवाना देगा मेरे को बता? बेटा ये दीवाना नहीं है, ये सियाना है। नहीं देख देख पाओ की इज्जत को हाथ में ले लेना। मेरे को यहाँ के हवलदार लोग ने रात को बहुत फोड़ेला है। आदत है ना, तेरे को बाहर जाना है ना तो लेट। आज रात को 11 बजे तुम्हें मकराना के पास जाना। पहुंच जाएंगे सर। लेकिन याद रहे ठीक 11 बजे,
सर हम लोग टाइम के बहुत पंचुअल हैं। सर ट्रेन लेट हो सकती है, प्लेन लेट हो सकता है, बारिश लेट हो सकती है, तूफान लेट हो सकता है, लेकिन हम शट अप। बस टेप खत्म हो गया। करण? करण नहीं, तेरी मौत का कारण। गोली मत चलाना करण, गोली मत चलाना करण। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। वैसे भी मेरी रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ है जो तुझे हमेशा के लिए साइलेंस कर देगा। मुझे मत मारो करण, प्लीज। देख मैं तुझे सब कुछ वापस दे दूंगा। अंजू भी करण, मुझे बख्श दो करण प्लीज। मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तू मरेगा जरूर। ये ले अपनी आंखों पर बांध ले। लेकिन बांध। ये पकड़, जोर से खींच। ये चाबुक है, इसके गले में अटका हुआ है। अगर तूने इसे खींच लिया तो ये गया काम से, और अगर इसने तुझे खींच लिया तो तू गई काम से, और अगर खींचा खींची में कुछ गड़बड़ हुई है तो दोनों गए काम से। खींच! लड़की तू जितना जोर लगा रही है उतनी कमजोर नहीं लग रही। फुलसुंगा पना मत कर, ठीक से खींच, वरना देख मैंने घोड़ा खींच लिया। वास्को डिगामा का घर है। किसके मामा का घर है? वास्को डिगामा। बहुत पैसे वाले लगते हैं। दरवाजा खोल, खबरदार जो चिक्की चिल्लाए समझे। लेकिन वो दरवाजा खोला क्यों नहीं? अरे बहुत सारे पैसे हैं ना, बैग में भर रहे होंगे। अच्छा अच्छी सेक्रेटरी है यार। ये कैसी यूनिफॉर्म है? कमाल है। कमाल नहीं, मॉडर्न है, मॉडर्न। आइए ना। हाँ रुक, मैं जाता हूँ। हेलो बैठिए ना। क्या लेंगे आप? जो भी आप दे देंगी हम ले लेंगे। ठंडा या गरम? पहले इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में मुझे और भी गर्मी लग रही है। वैसे लस्सी चलेगी, सॉफ्ट ड्रिंक भी चलेगी, बट नो हार्ड ड्रिंक्स। हाँ हाँ, ये पी के कल बहुत पछताया था। कौन पछताया था? कल तू पी के नहीं पछताया था? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चल वो छोड़। हाँ वैसे कुछ भी बोल। हाँ माल देने वाली पार्टी बहुत सॉलिड है। मैडम मैडम मैडम, ए टिटो, क्या यार तूने उसे फटी फटी आंखों से देखा, वो डर के भाग गई। ना ठंडा पिलाया ना गरम, बिजली की तरह आई और आंधी की तरह चली गई यार। अरे मुझे मालूम है वो कहाँ गई है यार। कहाँ गई है? अरे घर में दही नहीं होगी तो? हमको लस्सी देनी है ना। हाँ लस्सी। वैसे वो घर में आधे कपड़े में थी और लेकर भागी पूरा ड्रेस। अरे आजकल की लड़कियों का भरोसा ही नहीं होता। लगती है कुछ और निकलती है कुछ। अच्छा छोड़ यार, ये बता हाँ। वो माल देने वाली पार्टी है किधर यार? हाँ?
चल ढूंढते हैं। हाँ सेठ जी, करोड़पति जी, सेठ जी, करोड़पति जी कहाँ है यार? ए, सर पे क्यों मारा? अरे मैं क्या को तेरे सर पे मारूंगा यार। हाँ ओपटराम बाहर आओ। जी मैडम। ओपटराम जी, कुछ देखा तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। ओपटराम इतनी रात को ये दोनों लड़के बिल्डिंग से भाग के कहाँ जा रहे हैं? और वो भी इतने डरे हुए से, मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लगता है चोरी, डाका, खून या बलात्कार का मामला है ये। यहाँ हंटर है तो लाश किधर है? रात होती है, दिन निकलता है, रात होती है। इस रात में एक खौफ है, इस खौफ के सन्नाटे में जो टकराया हमसे, साला गया काम से, अरे गया काम से। इट्टो, वो वहां गया काम से और ये यहां कर रहा है कि गया काम से? कुछ समझ में आया ना? नहीं आया? हाँ आया। ओए मुंडियो, क्या बात है, पैसे लाए? नहीं। की गले बड़े घबराए लग रहे हो, और कोई लाश वाश तो नहीं वेखी है? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ? ना, ना, नहीं ना, नहीं। गुड। लाश? हाँ लाश, हम जहां जहां जाते वहां अलग अलग टाइप की लाश मिलती, कभी आड़ी लाश, कभी टेढ़ी लाश, कभी कुर्सी पर बैठी हुई लाश, कभी कंधे पर खड़ी हुई लाश, और सो सो तो सपनों में लाश। लगता है लाशों का पूरा गैंग हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हट। हेलो। अरे हमको कोई बचाओ, हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई बचाओ। तुम कौन? अरे हम कौन, हम रात को आया था ना। नया चोर, नया चोर, नया चोर, नया चोर। अच्छा वो तुम पुराने चोर के साथ में लेके भागा है ना? नहीं साहब, हम उसको लेके नहीं भागा, वो हमको लेके भागा। रास्ते में दो चार बार गिरा, हमको कितना चोट लगा मालूम? चुप। पहले तो यहाँ से भागा, साथ में लेकर उसको भागा, फिर वो ससुरा मकराना की लाश को लेके भागा। मकराना की लाश को? नहीं साहब, हाँ हाँ सही पहचाना, वो तो लेके भागा। वो पुराना चोर क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी में बैठ के महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। चेक नाका। अरे जोर से बोला ना। बोला? नहीं सब आपको नहीं, हम ये कह रहे थे कि चेक नाके पे उसको धर ले, नहीं तो फरार हो जाएगा। क्या चेक नाका? चला 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 पुड़े चला, मैं लौकर करा, चला 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 चला। अरे रुको, अरे ये तो यहाँ भी आ गया। निशा पाइजे पाइजे। हे,
छोकरी होके छोकरे के जैसा मारती है यार। ए, ज्यादा बात नहीं करने का, डिक्की खोलो। यस सर। सर उसमें खाली स्टेपनी है। शट अप, डिक्की खोलो जल्दी। सर अपन सच बोले ले। चुप। ये स्टेपनी है। हाँ स्टेपनी है। ये पकड़ा ना, ये भी गया। सर कसम से सिटी वाला है ना, एक एक का मेरे दोस्तों का गेम करता है, मेरे को पता नहीं लगा। शट अप बच्चा। अरे ये धुआं कहाँ से आया? अरे ये खूनी और मुर्दा कहाँ गया? सर पकड़ लिया मैंने, सर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? छोड़ छोड़ ना, पढ़ून गेला सर, पढ़ून गेला। केला? केला नहीं गेला, गेला मंजे गॉन गया। Yes, run again? Yes. Oh! Ah. क्या बड़ो सिरड़ है क्या? नहीं तो एक काम करना, 100 की पत्ती ले, सामने फुटपाइल पे दुकान है, तू भी ले क्या, मेरे को भी पिला, तू भी पी जाना। ओके। तू सिगरेट पीती है क्या? नहीं तो? नहीं ना तो तू मेरे काम की है, तू काय को पाँव दुखा रहे लिए, वर्ल्ड की पहली मोटरसाइकिल है जिसमें बटन दबाओ तो एयर कंडीशन चालू होता है, चल ना मेरे साथ। चौपाटी जाएंगे ने भेलपूरी खाएंगे कोपचे में बैठ के। क्या हुआ? बच गई। क्या सिटी बॉस मेरे को बचा ले, करण मेरे पीछे पड़ गया, मैं गया काम से। अरे मास्टर मैं गया, मेरे को मारने नहीं, मेरे को आवाज आ गई, अरे मैं गया रे, अरे मैं देख अरे मैं क्यों Oh God! Yeah. MMS 914. पता लगाओ इस नंबर की गाड़ी के मालिक का नाम क्या है और उस मालिक के साथ, उस मालिक के साथ इस लड़की का रिश्ता क्या है। लेकिन सर इतने बड़े शहर में इस नंबर का पता कहां से लगाएंगे? आरटीओ से। पर सर मैं आरटीओ नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। क्या? हा? तू चल यार, बाय। ये तुम कौन से 50 लाख के चक्कर में पड़ गए? अरे मैं क्या, वो तुम्हारे डैड भी उसी 50 लाख के चक्कर में पड़े। हाँ हा? अब 50 लाख रुपए मिलने के बाद ही मुस्कुराऊंगा, तो मैं सर से पांव तक सोने में सजी हुई बीवी बनाऊंगा। हाँ। सर हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, आरटीओ में ना ही उसका कोई नंबर है और ना ही कोई रिकॉर्ड है। और जिस लड़की की तस्वीर आपने दी थी सर, उसी लड़की को हमने दूसरी गाड़ी में देखा और उसका पीछा भी किया। कहाँ रहती वो? तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? What the hell? Answer me. Who are you? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अच्छा हाँ अंजू, अंजू कौन? अंजू हे हु आर यू? वही जो कल तक तुम्हारे लिए सब कुछ था, मगर आज तुम बिल्कुल बदल गई हो। ऐसा क्यों कर रही हो अंजू? आई एम
Not your Anju. चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? बुला पुलिस को। ये क्या कर रहे हो? फैसला। मारना चाहते हो मुझे? मगर मेरा दोष क्या है? देखो, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। मैं तो तुम्हारी अंजू हूँ ही नहीं। मेरे दिल के साथ मत खेलो। ये दिल जिसका कायल हो वही जब उसे घायल करना चाहता है तो टूटता नहीं और भी सख्त हो जाता है। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत में वफादार ना होता तो तुम्हारी बेवफाई से मैं... प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जॉन, जॉन शोफी, मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए नहीं, उसके लिए जो मेरे बिना नहीं जी सकता। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी अंजू नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम अगर मेरी अंजू होती भी तो मैं तुम्हें नहीं मारता। तुम्हारी शक्ल जो मिलती है उससे, लेकिन मैं तो अब तक अंजू के लिए जी रहा था। जब वही दुनिया में नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा? नहीं करण, नहीं करण, अंजू, करण मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारी अंजू, मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जिसने अपने प्यार को गुनेगार बना दिया? ये कैसा प्यार है जिसने मेरी चाहत, मेरे अरमान, मेरे मासूम ख्वाबों के साथ खिलौने की तरह खेला और उसे तोड़कर फेंक दिया? ये कैसी खुदगर्ज मोहब्बत है जिसमें ना दया है, ना प्रेम है, ना अपनापन है, सिर्फ धोखा है, फरेब है? क्यों मेरे साथ तुमने ये धोखे का जाल रचा? बताओ अंजू, बताओ। और उसे तोड़ने के लिए तुम्हें उसकी वो ताकत और बैसाखी तोड़नी पड़ेगी, इंस्पेक्टर राजन। अब मेरी जान, यह दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज, अभी शादी के बाद? आज मैं नहीं छोड़ूंगा। शादी से क्या फर्क पड़ता है? आज मौका है, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। छोड़ो रजत, क्यों सता रहे हो मुझे? सता रहा? अरे तुम मुझे सता रहे हो। छोड़ो ना रजत, हर बार ऐसे ही करते हो तुम। छोड़ो ना। मीना, अरे जल्दी करो यार, बहुत भूख लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है ये चुड़ैल? ये कौन? ये पहले ये बताओ, ये कैसेट तुम्हें किसने दिया? था कोई तुम्हारा दुश्मन? तुम्हें किसी ने कैसेट क्या भेज दिया? तुमने मेरे साथ कोतवाली शुरू कर दी। तीन सितारे और वर्दी से कोई कोतवाल नहीं बन जाता। तुमने मेरे प्यार को गाली दी है। बीवी हो तुम मेरी, जितनी बार चाहूं गाली दूंगा। चुपचाप खामोशी से पड़ी रहो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जेल में कैद कोई वैश्य नहीं जिसे तुम्हारी जमानत की मंजूरी और नामंजूरी का डर हो। चाप और खामोशी से पड़ी रहने वाली चीज का नाम बीवी नहीं। मैं अभी जाकर तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को बताती हूँ तुम्हारी असलियत। जाओ जाओ, जहाँ जाना जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये दोनों घर मेरे हैं, ये भी और पुलिस स्टेशन भी। जिस दिन बड़े घर जाओगे उस दिन सब कुछ भूल जाओगे। मैं इसके दुख को खुद खुशी में तब्दील कर दूंगा। बॉस, अरे यार बॉस, काओ बॉस, 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 अरे बॉस, 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 सबके वाट लग गए लिए तकदीर पलटा खा गई। तकदीरें पलटता भी मैं हूं, लिखता भी मैं हूं,
मेरी तकदीर पलटने वाला पलट कर दुनिया भी नहीं देखता। अरे पन वो आपको दूसरी दुनिया में पलटाने के फिराक में है बॉस। अपनी गुड़िया बोल गई, सारे पोल खोल गई। मूसा यही है ना वो गुड़िया जो अपने प्यार के जुनून में भूल गई हमारे जुनून को। जब हमारा खेल चलता है धरती पर तब आसमान पर बैठा वो एम्पायर भी हमें आउट करने के लिए अपनी उंगली नहीं उठाता। उसे डर लगता है कि हम कहीं इस दुनिया से आउट होकर उस दुनिया में इन हो गए तो वो किस दुनिया में जाकर जिएगा। और ये दो टके की छोकरी इसकी ये मजाल। हमने तुझे मिडिल क्लास से उठाकर एक लाख जिंदगी दी, एक करोड़पति शिपिंग कॉरपोरेशन के मालिक की बेटी बना दिया चुटकियों में। यस, सेम टाटू, सेम परी। अरे जब तू छोटी थी हमने साथ में बनवाया था, मुझको मेरी डॉटर अंजू मिल गई, मेरी वाइफ की आखिरी निशानी मिल गई, मेरी अंजू मिल गई। पापा, मेरी अंजू। भूल गई वो दिन, मगर तू उसकी खोई हुई बेटी अंजू नहीं थी, तू हमारे खतरनाक खेल का एक मोहरा थी। और अब करण के साथ मिलकर तू हमसे खेलना चाहती है, हमसे, जिस जान के लिए तूने अपनी जान हमारे काम में लगा दी, वो जान आज भी हमारी मुट्ठी में है और हम उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नहीं, नहीं, उसे कुछ मत करना। तो फिर कान खोल कर सुन, उस बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम से अब हमारे नाम पर हो गई है, सिर्फ एक सेफ वॉल्ट की चाबी बाकी है जिसमें उस बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी के लिए करोड़ों के डायमंड्स जमा कर रखे हैं। बस एक बार ट्रस्टी उस सेफ वॉल्ट की चाबी तेरे हवाले कर दे और तू बैंक का वो सेफ वॉल्ट खोलकर वो सारे डायमंड्स हमें दे दे, बस ये आखिरी खेल है। अरे गला मत दबाओ बॉस, अगर मर गए तो अपने वो करोड़ों के डायमंड नहीं मिलेंगे। सुन, कल इंस्पेक्टर रजत के यहाँ एक फंक्शन है, करण इंस्पेक्टर का शिकार करने के लिए वहां जरूर जाएगा, तू वहां नाचेगी गाएगी और उसे यहाँ लाकर फेंकेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या कहा? अरे यार तुम लोग जाओ और इसके भाई को जान से मार डालो, मैटर फिनिश करो, बहुत हो गया। नहीं, मैं जाऊंगी। हाँ। प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना। गुड, वेरी गुड, हम तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे और तू हमारे इशारों पर नाच नाच। क्यों तिरछी नजरें
मुझ पे डाले, क्यों घायल दिल को करिए डाले, क्यों तिरछी नजरें मुझ पे डाले, क्यों घायल दिल को करिए डाले। बेदर्दी थर साथी सारे, बेदर्दी थर साथी सारे, छुप छुप के काहे सीटी मारे ना माने। घुंघरू थारे पाँव में आपा धू, घुंघरू थारे पाँव, चल 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 सजा दो तेरा तन मन, आजा ले जाने आया साजन, आजा सजा तो तेरा तन मन, आजा ले जाने आया साजन, आजा ले चल दी थारे संग में हाय, ले चल दी थारे संग में हाय, तू पर दे मारी मांग ये हाय, ले जाना चुपके से ले चल अपनी छांव में, घुंघरू थारे पाँव में आ बांधू, घुंघरू थारे पाँव में मेरा छुआ, चुप गया कांटा मारे पाँव में, आए चुप गया कांटा मारे पाँव में, बेदर्दी आके थारे गाँव में आ बांधू, घुंघरू थारे पाँव में, बेदर्दी आके थारे। ये कैसेट तुम्हें कहां मिली? कहां से लाया ये? मैं पूछ रहा हूं कहां से लाया? पिस्टल दे दे। आमार जनाब हूँ हूँ के आगे भी बहुत कुछ होता है, कुछ कीजिए, चलाइए गोली, अरे चलाइए। मारने को तो अभी मार दूं, मगर तू कानून का बंदा है, कानून से सजा पाएगा तो बड़ा मजा आएगा। भाग, भाग! बॉस आप इधर क्यों नहीं रहते हो? बॉस आप कहां चले जाते हो? बॉस दुनिया पलट गई मालूम है? बॉस बॉस आप एकदम बरोबर बोले थे, करंट का आइडिया मिसाइल बन गया, फटने वाले आप बनने वाले हो, आखिरी टाइम हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। ये कैको बदतमीज अंजू करण को लेकर यहाँ जरूर आएगी। या कैको आएगी, लेकिन अगर आएगी तो आपको शमशान ले जाने के लिए आएगी। वो देखो आ गई।
आदमी तू कहाँ है? बॉस कभी से वेट कर रहा है ना? ए बेन, अभी तू ये बॉस को हाजिर नाजिर जान के बोल, वो हैंडसम कहाँ है? हैंडसम कहाँ है? यहाँ हूँ बाबू भाई। मौत बांटने वाले, तेरी मौत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। तेरी जिंदगी की भीख मांगने का भी टाइम नहीं दूंगा मैं तुझे। करण, करण नहीं, तेरी मौत का कारण बनूंगा मैं। निकेश, इस मासूम का सहारा लेकर तूने मेरी अंजू को कठपुतली बनाया। ले, टूट गई डोर, छूट गई कठपुतली। दीदी, निकेश मेरे भाई। करण, तुम्हारी डेयरिंग की दाद देता हूँ, मगर हार नाम ने सीखा नहीं। वैसे खेल तो काफी इंटरेस्टिंग खेला था तुमने, उस बिजनेसमैन को मरवा के उसकी सारी जायदाद अंजू के नाम से अपने नाम पे करवा ली, और कत्ल के इल्जाम में मुझे जेल भिजवा दिया, वो भी अंजू के। जब जेल तोड़कर मैं सबूत ढूंढने के लिए बाहर निकला तो अपने सारे पार्टनर दुश्मन बनाकर मेरे सामने कर दिए, ताकि एक के बाद एक तुम्हारे पार्टनर घट जाए और दौलत में तुम्हारा हिस्सा बढ़ जाए। यानी कि मेरा भी नंबर आने वाला था? चुप बदतमीज, बहुत कुछ जान गए हो तुम। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। पीठ पे वार करने वाले कायर से भी बड़े कायर निकले तुम। नींद में वार किया उस रात पार्टी के बाद। ऐसा दर्द होगा खाली, हम लोग तुझे मारेंगे नहीं, तेरा खून लेंगे। थोड़ा सा खून दे दे। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ दो। तूने मेरी अंजू को जख्म दिए, उसे दर्द दिया, उसे मेरे खिलाफ वर्गला के मेरे साथ छल करने पर मजबूर किया। छल तो आज भी अंजू ने किया है तेरे साथ, चला गुड। ये पिस्तौल नहीं, लेटेस्ट छल है अंजू का। ये पिस्तौल मैंने उसको दी थी तुझे देने की। बॉस हंसने का नहीं, ये लगा डालेगा। लगा दिया। करण, मार डालो इसे। बहुत दुख दिया इसने मुझे। ये इंसान नहीं है, जानवर है। He's a beast, करण, kill him! टेंशन नहीं लेने का बॉस। जैसे ये वाली गन अंजू ने साफ की थी ना, वैसे ये गन मैंने खाली की। ये देखो, टक्कर मारता हूँ। आयुश्वरी बंदूक नहीं चलेगी। चल गई तो बाय बाय, चलो। थैंक यू बाबू, तूने आज मेरी जान मचा ली। वेलकम। और ये बकरी की तरह मैं करने वाली लड़की, भाई क्या मिल गया, शेरनी बन गई। आज मैं तेरे भाई का टेटुआ दबा दूंगा। ये भरी हुई है, उड़ा दूंगी। अंजू, kill him. बस बस, गन नहीं चल रही। देखा, ये करण ने आते ये गन खाली कर दिया। अरे छोकरा मास्टर माइंड है, इससे बचो बहुत। मगर ये पिस्तौल भरी हुई है और मेरा मूड बहुत खराब है, जरा भी होशियारी मत करना। अंजू, वो ट्रस्टी आज यहाँ आकर उस सेफ की चाबी तुम्हें देने वाले हैं जिसमें करोड़ों के डायमंड्स हैं। किसी ने जरा भी गड़बड़ की
तो मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। बॉस बॉस ट्रस्टी आ गए, लेके आ उनको। बेटा ये डॉन का डेन है, यहाँ थोड़ा संभाल के समझे। बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, सब ठीक ठाक है। डॉन का डेन जनाब जनाब यहाँ पान कहाँ ठूके? जनाब यही ठूके, यही तो उगल डान है। ये उगल डान है आमा, ये तो मकान है। है ये भी कोई मकान है? अजी मकान तो नवाबों के हुआ करते हैं। ये बात सही है। अरे 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 क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनाब, यहाँ ठूक रहे हैं। सामने आदमी खड़ा है। आदमी हमारे कोई आदमी है? आदमी तो हमारी तरह हुआ करते हैं। एक 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 मिनट चेक करता हूँ, शायद बात करता होगा। बात करता होगा? क्या हो रहा है, कौन हो तुम लोग? ट्रस्टी है, नवाब खानदानी है, दौलतमंद पुश्तैनी है। लेकिन आपको क्या हैरानी है? अजी काहे की परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, चाबी निकाल। अबे ये निकाल निकाल क्या है, निकालिए कहिए, कहीं हम मिसअंडरस्टैंड ना कर लेना। अजी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को छोड़िए, कहीं हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। ये लीजिए। ये क्या है? चाबी है। ये सेफ वॉल्व की चाबी है? अजी साइज पे मत जाइए, बड़ी बड़ी तिजोरी खोल चुकी है। अच्छा ठीक है ठीक है, पेपर निकाल। अमा फिर निकाल, अब छोटे नवाब निकाल ही दीजिए। निकाल दे, निकाल ही दीजिए। अच्छा, निकाल, निकाल, निकाल। अमा बताइए दस्तखत कौन करेगा? ये लड़की करेगी। अमा नाराज क्यों होते हैं? अब बहन जी जरा साइन कर। हाँ बहन जी साइन करिए। एक्सक्यूज मी, आप दोनों कौन हो? हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी? विशाल खन्ना के, और अपने साथ चाबी भी लेकर आए हैं। अगर ये दोनों ट्रस्टी हैं तो तुम दोनों कौन हो? अमा पहले निकाल निकाल कह रहे थे, अभी हमें गन पॉइंट दिखा रहे हैं। अगर हमने अपनी गन निकाल दी ना तो जनाब आप कहें तो हम अपने बंदूक निकालें। नहीं रहने दीजिए नवाब, घबरा जाएंगे, न जाने क्या क्या सोचने लगेंगे। इडियट। ओ यार इधर देखो तो, देखो तो गोरा दुई प्लेट दा माउनी सा। हमारा मतलब है ये लोग को छोड़ो, आम को पकड़ो, आम असली चाबी है कि नहीं? नहीं हम तुम्हारा मुंह तोड़ेगा कि नहीं? है, है, है। ये देखो ये भी आप बोलते। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? कौन हो भाई? हम ट्रस्टी है, हम नोट का जाड़ है, तुम हमको इसे हिलाएगा तो पट 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 नोट गिरेगा। अभी देखो सरकार का नौकर हमारा जोकर, चाबी निकालो। ये चाबी है और नहीं तो क्या, तुम समझता है कि बैठ है? हम इधर वनडे का मैच खेलने को आए? अमा हम नवाबों से ना खेलिए। हाँ मोबाइल जाएंगे, मचल जाएंगे और फोड़ फोड़ के निकल जाएंगे। अमा आप चाबी लीजिए। हाँ दस्तखत कीजिए। असली ट्रस्टी हम हैं और ये है असली चाबी। अच्छा हम ये चाबी काबुल से लाया है। काबुल से? अरे हम बाबुल से लाया है। बाबुल से? चलो यार दोनों झूठ बोलते हैं, बाबुल का इतना बड़ा बड़ा मकान है, उसका इतना सा चाबी। शट अप। बॉस मैं तो बोलता हूँ मच मच में पड़ोस मत, अपन ये तीनों चाबी ले लेते, बाद में सेटल करेंगे अपनी ओरिजिनल कौन सी है। ए नवाब तेरी बहुत पोपट बोली हो गई, देख ला चाबी दे। अरे दीजिए कहिए। अरे दीजिए। ये काला कोट चल फुट चाबी इधर दे। ये पठान हट, ये ट्रस्टी चाबी ला चल। मेरा तिजोरी का चाबी चुरा के तुम इधर लेकर आया? अरे ये चाबी तेरे कैसे हो गई यार? अयो अयो हम पर जानते अपना मर्द का चाबी। तुम पहले हमारा बीवी के पीछे, अभी हमारे चाबी के पीछे। अरे लेकिन ये चाबी तेरी है, तेरे को ये बोला कौन यार? वो मेरे को मालूम नहीं, हमारे घर पे अभी किसी का फोन आया, बोलता है तुम ड्रैगन हाउस आओ और अपने चाबी लेकर जाओ, हम पूरा कॉलोनी को लेकर आया इधर। अबे एक कॉलोनी के ठेकेदार, ये चाबी है ना करोड़ों के हीरे के लॉकर की है। ये मुन्ना, ये सुंदरम, ये गुंडापा, ये बाबू को पकड़ो। ये अम्मा
या हमारा एक दुकान बंद कर दिया जी, कोई बात नहीं, हमको दूसरा दुकान से देखता है, मैं पकड़ेगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करेगा, ये सब लोग अटैक करो। बहुत जंगली डॉग गैंग कमिंग, चाबी खतरे में। तुम यहाँ बैठो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। देखा, कह रहे आज सुबह जब सेठ जी पूरे कपड़े पहनाए तभी हम समझ गए रहे कि कोई चाल है। देखा, अब पहले की तरह फिर हो गए। आओ भाभी, खंडाला चलती क्या? अबे ओ बुढ़िया खच्चर, नीचे कट। क्यों, क्या तकलीफ है? मेरी बेटी है, मारूंगा साले। तो पहले बोलना चाहिए ना, हमको क्या मालूम बेटी है। ये चाबी मेरा जी है। अय्या, ये क्या करता है? ये करता है, ये मार गया। अय्या, मार मार दिया, मार। ये कहाँ लिया है? ये अय्या मार, ये छोड़ा मेरे को। ये चाबी, मुझे भी चाय पीनी है, असली रोटी खानी है, पुलाव खाना है। ला इसे, ला बे, ला दे। गोली मत चलाना, पिस्तौल उल्टी चलती है। झूठ बोलता है क्या? झूठ बोलता है क्या बे? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तेरे कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, अब तुम मरा। अरे यार, अबे क्यों मरना चाहता है? ये बंदूक की गोली उल्टी चलती है। अच्छा, उल्टी चलती है। भागो जी, भागो। अंकल, क्या किया आपने? इसको मारने का एक ही तो मौका था।
क्या बोला तू? कुछ नहीं यार। क्या बोला तू? मैं बोला ये बंदूक खून की उल्टी करती है, बाकी सब खैरियत है। चलो उल्टी करती है, खून की उल्टी करती है। चलो बहादुर सिंह बहादुरी दिखाए। चलो आइए अंदर, मत जाना, बहुत डेंजर जी। क्यों? हाँ, एक पिस्तौल है, वो उल्टा चलता है जी। इधर को गोली मारा, पीछे से निकल के वही मरता है जी। हम भी उल्टा चलाएगा, हम भी उल्टा चलाएगा। अरे कॉमेडी मत करो, ट्रेजेडी हो जाएगा। हाँ समझा कि नहीं? उसने गोली चलाया, अगर तुम बीच में आ गया तो तुम ऊपर चला जाएगा। कौन है तुम? अयो अब तुम्हारा पत्नी जी। मेरा पत्नी जी? अयो लेडीज को मारा, देखा लेडीज को मारा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा तिजोरी के अंदर है ना काली 2 रुपया बाहर आना, उसका चाबी के लिए इतना मारा मारी, मेरे को बहुत मारा जी। एक्शन करो जी। एक्शन एक्शन करो, बोलो इधर चला गया, हम लोग भी चलो अपने घर को जाता है। सानी मिस्टर करण, अब चाबी भी मेरे पास है, दौलत भी मेरे पास है, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी तुझे, चला गोली। मैं रोकूंगा तुझे, मुझ पे चला गोली। अबे ओए कंफो, बुड्ढा समझाए क्या? गोली चला ना। Come on, shoot me. टाइम खोटी मत कर, चला दे गोली। सर ये बहुत टाइम पास आदमी है। गोली चला ना। चला दे गोली, मुझ पे चला गोली। Come on, shoot me. गोली चला ना, मुझ पे चला गोली। चला गोली। कब से डर रहा हूँ मैं कि अब गोली चली, अब गोली चली, कोई किसी को मार ही नहीं रहा, टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। ओ भाई साहब, इससे कि पहले मैं घबराहट में मरूं, आप मुझे जल्दी से गोली मार दो। अगर मुझे न मारो तो मेरे सेठ को मार दो, इसने पूरी जिंदगी मुझे आधा पेट रोटी आधा पेट कपड़ा दिया है। मुझको गोली किसने मारी? मास्टर, मास्टर करण, अब तू ये बाजी मुझसे नहीं जीत पाएगा। तेरे जीते जी बाजी नहीं जीत सकता तो तुझे मार कर बाजी जीत लूंगा, और तेरी मौत का इंतजार भी नहीं करूंगा। चढ़ जेल, पट मौत। मैं तुझे सांसें गिनना सिखाता हूं। रजत, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कर रहे हैं मिस्टर साहब? जेल से भागा हुआ कैदी तो वो है, उसे अरेस्ट कीजिए। मगर इसी ने तुम्हारे सारे जुर्म दिखाए हैं, हम कैसे देख चुके हैं। कमिश्नर साहब अरेस्ट। गद्दार, तू तो मेरी पार्टी में है। हूँ नहीं था, अपन ने बदल ली पार्टी, बन गए गवाह सरकारी, तू खा जेल की तरकारी। गद्दार। गद्दार नहीं समझदार, अपन ने एक ही गोली चला के उल्टी चलने वाली गन को करण के प्रोग्राम के हिसाब से बॉस के हाथ में टिकाया, वो टपक गया। इंस्पेक्टर साहब, एक ठोस सबूत आपके खिलाफ भी है मेरे पास, कुछ दिन आप भी जेल की हवा खाइएगा। ये नजारा जो देखा है आपने किसी से मत बताइएगा, इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपाइएगा, और यकीन मानिए जहां जाइएगा हमें पाइएगा। ना छूना चुपके काटा मारे पाँव में, चुपके काटा मारे पाँव में, बेकर दिया के थारे गाँव में, बेकर दिया के थारे गाँव में। सजा तो तेरा तन मन आजा, ले जाने आया साजन आजा, हो सजा तो तेरा तन मन आजा, ले जाने आया साजन आजा। ले चल दी थारे संग में हाय, ले चल दी थारे संग में हाय, तू पर दे मर मांग ये हाय, ले जाना चुपके से, ले चल अपनी छाँव में, हाँ चुपके से ले चल अपनी छाँव में। आवाज़ रूठूं ग्रुथर
पाँव में आ बांधू धुंधु थारे पाँव में मेरा छुआ चुप गया कांटा मारे पाँव में ए चुप गया कांटा मारे पाँव में बिदर दिया के थारे गाँव में आ बांधू धुंधु थारे पाँव में बिदर दिया के